हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे केसीएल इन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बेसिक से जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज केसीएल? जो किरचॉफ लॉ है स्टेट करता है द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट एनी नोड ऑफ अ सर्किट इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि किसी नोड पर जितनी भी करेंट्स हैं उन सबका क्या सम कितना होता है? जीरो होता है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो अगर एक नोड है उस नोड पर करेंट्स देखिए कौन कौन सी आ रही हैं। I1, I2, I3, I4 एंड I5 ये करंट है। अब इसमें एल्जेब्रिक सम, इस नोड पे जितनी भी करंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। इसका मतलब है I2 प्लस I1, ये देखिए इनकी डायरेक्शन किधर है, नोड की ओर है, तो इसको मैं पॉजिटिव ले रही हूं और नोड से आउटसाइड नोड से आउटर पे जा रही है जो करंट उसको मैं क्या ले रही हूँ, नेगेटिव। तो I3 - I4 - I5 = 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक और चीज है कि I1 + I2 = I3 + I4 + I5। इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। लेकिन नोड पे पर्टिकुलर आप बात करें तो नोड पे कोई भी करंट नहीं होगी, नोड पे करंट होगी जीरो। जो यहां से करंट आ रही है इनकमिंग वो आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नोड। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जिससे दो से ज्यादा पैसिव एलिमेंट्स जुड़े हों। नोड एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा पॉइंट है जिससे दो से ज्यादा मोर देन टू पैसिव एलिमेंट्स क्या हो, कनेक्टेड हो, और जहां पे करंट डिवाइड हो रही हो, ठीक है, या जहां पे क्या हो रही हो, करंट डिवाइड हो जा रही हो। जैसे यहां से करंट आएगी आई तो ये डिवाइड हो जाएगी I1 और I2 में ये डिवाइड हो जा रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नोड। तो पैसिव एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। पैसिव एलिमेंट आप सभी को पता होगा कौन से होते हैं, दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी डिलीवर करते हैं, दैट आर एक्टिव एलिमेंट। जैसे करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, जैसे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, दोनों आप एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन पैसिव एलिमेंट मतलब जो क्या नहीं कर सकते, करंट को डिलीवर, इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर नहीं कर सकते, एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते, दैट आर पैसिव एलिमेंट। हाँ, इनके थ्रू पास की जा सकती है करंट, लेकिन ये खुद से जनरेट नहीं कर रहे हैं ना, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, दैट आर पैसिव एलिमेंट। ठीक, तो ये तो बात थी केसीएल, इसमें कवर हो चुका है केसीएल की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होनी चाहिए। सपोज एक रजिस्टर यहाँ पे आर है कनेक्टेड और इससे इसके थ्रू एक करंट जा रही है आई, और इसके एक पॉइंट पे V1 वोल्टेज है और दूसरे वाले पॉइंट पे V2 है, तो आप क्या कहोगे, करंट कितनी हो गई, V1 - V2/R, यही कहोगे ना। अगर सपोज यहाँ पे क्या होता, V1 होता और यहाँ पे -V2 है, तो इस केस में आप क्या कहेंगे, करंट की डायरेक्शन इधर से है, तो शुरू जहां से हो रहा है दैट इज V1, जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है वहां पे वोल्टेज V1 है, माइनस तो ऑलरेडी आना ही है लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो +V2/R। ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां से करंट शुरू हो रही है वहीं से वोल्टेज को आप रखोगे वैल्यू, और माइनस क्या हो जाएगा, सामने वाली की वोल्टेज। एक चीज और ध्यान में आपको रखनी है, सपोज V1 वोल्टेज यहाँ है और यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, बैटरी, जिसपे सपोज 10 वोल्ट इसकी वोल्टेज है
और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज है वी टू, तो ये जो वी टू है ना इसकी वैल्यू होगी क्या, इस वी टू की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे वोल्टेज वी वन है, ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है ये वाला पॉइंट, ये नेगेटिव से है, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव माइनस होता है, आपको पता ही होगा बैटरी का सिंबल कैसा होता है, ये जो लॉन्ग वाला है ये प्लस में हो गया और ये वाला माइनस में, तो यहाँ पे वी टू इक्वल टू क्या आएगा, वी वन माइनस टेन, वी वन माइनस टेन। सपोज ये क्या होता, इस तरीके से होता वी वन और ये है, ये भी 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, V1 प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो V2 इक्वल टू V1 प्लस 10। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर ये चीज क्लियर है तो अगर इसी के सामने एक और केस, इसी के सामने एक रजिस्टर भी जुड़ा हो, अब बताइए कितनी वोल्टेज हो जाएगी। यहाँ पे सपोज रजिस्टर R है और इसके थ्रू करंट जा रही है I, आई करंट जा रही है इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक, क्योंकि यहां से I करंट जा रही है ना, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, लेट यहाँ पे V2 वोल्टेज है और यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी इस वाले टर्मिनल पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वी वन प्लस टेन, वी वन प्लस टेन क्योंकि ये पॉजिटिव उससे जुड़ा हुआ है, तो वी वन प्लस टेन माइनस, माइनस तो आएगा ही ना दूसरे टर्मिनल पे, क्या है V2, तो माइनस V2 अपॉन R, तो ये करंट क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई। रजिस्टर इसके दोनों ओर कितना वोल्टेज है, एक पॉइंट पे V1 प्लस 10 बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, अगर ये बैटरी ना होती तो V1 माइनस V2 आप लिखते, लेकिन यहाँ पे बैटरी है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा V1 प्लस 10 माइनस V2 अपॉन R, ठीक। अगर ये चीजें आपको इजिली पता चल गई हैं, आप समझ चुके हो, तो आप इसके KCL के जितने भी क्वेश्चन हैं नोडल एनालिसिस के आप कर लोगे, चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। अब नोड आपको मैंने बता दिया, अब नंबर ऑफ इक्वेशन की अगर बात हो, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कितनी बननी चाहिए किसी भी सर्किट में, अगर कोई सर्किट है, आगे मैं आपको सर्किट के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, अगर किसी सर्किट में नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बनानी है, लेकिन वो बनेंगी कितनी, मैक्सिमम कितनी बन सकती है, नंबर ऑफ नोड एट दैट सर्किट माइनस वन। सपोज वहां पे तीन नोड है तो इक्वेशन थ्री माइनस वन, टू इक्वेशन बनेंगी, तो ये तो बात हो गई केसीएल की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स का ही बनाऊंगी, आज जितने भी इसके छोटे मोटे कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। थैंक यू।